सिस्टम में रहने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं वोट हूं और आप बस एक नोट। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। मेरी मट्टी मेरी आन है तू। मेहरबानी असगर भेरा। मास्टर जी को मेरा सलाम कहना। कुछ महीने मैंने भी पढ़ा है मास्टर जी से। असगर भाई। हाँ बोलो। मेरा एक पैगाम पहुंचा देंगे एसपी साहब तक? एसपी साहब? हाँ हाँ बोलो। मैं आज हवेली गई थी नूरी से मिलने। वो शौकत के लिए बहुत परेशान है। जो सिरा शौकत की गुमशुदगी की तरफ जाता है वो ही बाद में गुम हो जाता है। पता नहीं शौकत का तो। तुम फिक्र ना करो, अरसलान साहब एक बार किसी काम का जिम्मा अपने सर ले ले तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमने उनका एक बहुत अहम बंदा भी पकड़ लिया, मुख्तारा। कोई ना कोई सिरा तो जरूर ढूंढ निकालेंगे इंशाल्लाह। एक और जरूरी बात भी कह रही थी नूरी, साई जी की जान को खतरा है। मीरल और पीरल बहुत गुस्से में है। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बात का भी अंदाजा है हमें, लेकिन तू फिक्र ना कर बहरा, रब खैर कर इसी। रब राखा। खैर कर इशाला। इस जनी को क्या थी ये साईं? वक्त पूरा हो गया था इसका, ले जाओ इसे। सुना है मुर्दा अपने नसीब की जमीन से ज्यादा देर दूर रहे तो तकलीफ होती है उसे। जी साईं जी। जीते जी तो इसे कोई सुख ना मिला, हो सकता है मरकर ही आराम मिल जाए इस बदनसीब को। इसे हवेली के पिछले कब्रिस्तान में दफनाना है, रातों रात सुबह की रोशनी से पहले कफन दफन का इंतजाम पूरा हो जाना चाहिए। जी साईं जी। और इसकी मौत की खबर इसके जिस्म के साथ ही दफन हो जानी चाहिए। कोई कुल 10वां 40वां करने की जरूरत नहीं है। जाने वाला जो कुछ अपने साथ लेके जाता है वही उसका ज़ादेरा होता है। जी साईं, समझ के। ले जाओ इसे। जल्दी उठाओ, हाथ पाओ, हाथ पाओ। जनी को क्या हुआ था? समझी नहीं हुआ अभी तक या यकीन नहीं आ रहा? जहर लाई थी वो तुम्हें पिलाने के लिए,
वही जहर उसके अंदर गया तो मर गई। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, इतनी आसानी से वो जहर पी गई जानते हुए कि उसके अंदर जाके उसकी जान ले लेगा। तुमने जैनिये का तो शायद कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कुछ और लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ दिया है तुमने। और रही बात कि उसने ये जहर अपने अंदर कैसे उंडेल लिया, तो उस बेवकूफ औरत को शायद ये मालूम ही नहीं था कि ये आधा गिलास दूध उसकी पूरी जान ले लेगा। कभी कभी शिकारी को इस बात की खबर ही नहीं होती कि वो खुद शिकार होने जा रहा है। तो क्या वो जहर बच्चा मारने के लिए नहीं था? वो जहर की पुड़िया उस छैल छबीली के अंदर जाकर आग लगा देगी और रगे काट देगी। बड़ा आजमूदा नुस्खा है ये। लेकिन सैनी को तो हमने बोला था कि इससे सिर्फ नूरी का आने वाला बच्चा। अगर मैं उसे पूरी बात बता देती तो वो इतनी आसानी के साथ राजी हो जाती क्या? और अगर सैनिया ने घबरा के सारा पर्दाफाश कर दिया तो इतनी बड़ी बात सह नहीं पाएगी। पेट की बड़ी हल्की है। तुम फिक्र ही ना करो, पहले इस नूरी का किस्सा तमाम होने दो, फिर देखना इस जैनिये का बोझ कैसे जमीन से हल्का करती। आवाज कैसे लगता है कोई और तो रो रही है। अब हमारे हंसने का वक्त आ गया है। इसका मतलब नूरी का किस्सा खत्म। अभी भी नहीं। अभी भी नहीं। बड़ा जुलम ठीक है अभी भी बहुत बुरा था अभी भी। बंद करो ये बकवास। ये बताओ कि ये बाहर क्या रोना धोना हो रहा है? बड़ी बीबी जी बड़ा बुरा था, हवेली जी मौत हो गई है। मौत? कैसी मौत? बावली हो गई है क्या? मुझे मेरे मुंह में खाक, बीबी जी मेरे मुंह में खाक। अरे जबान खोल। बड़ी सर जैनी मर गई है। क्या? तू होश में तो है नसीबे? क्या कह रही है? यही सच है बड़ी बीबी, यही सच है। उसे औरतें आखिरी गुसल दे रही है, वो निपानी मर गई है। और बड़े साईं का हुक्म है कि सवेरे फजर के टाइम उसे दफना दिया जाएगा। दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाओ, मैं जरा बाहर के मामला देखा। आप कहां जा रहे? तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जहर देने के लिए अब कोई नहीं आएगा यहां, लेकिन मुझे अभी कुछ लोगों के अंदर का जहर निकालना है। किस किस का जहर निकालेंगे आप? यहां तो पूरी हवेली बिच्छुओं से भरी है। बिच्छू का नाम भी पता नहीं किसने बिच्छू रखा था। ये नाम तो इंसानों पे जचता है। ये सांप बिच्छू ये तो बड़े मासूम होते हैं। इनका जहर मिलके भी एक जबान के जहर के बराबर नहीं हो सकता। तुम सो जाओ आराम से, मुझे हवेली की सफाई करवानी है। सुना है जिस मकान की बहुत अरसे तक सफाई ना हो उसके अंधेरे कोनों खुदरों में
ये जहरीले ठिकाना बना लेते हैं। जी नूरी कोई तो दूध देने के लिए गई थी, वो पता नहीं वहां क्या था, कोई सांप था, कोई बिच्छू था जिसने उसे काट लिया, सारा जिस्म नीला हुआ पड़ा है जी, जहर जहर बड़ा तेज था जी, बड़ा तेज था। जहर तो क्या सैनिया जहर से मरी? हाँ मार दिया जहर ने। उस बदनसीब ज़ेनिया को बहुत तेज जहर था जिसका भी था, पीरल ने बड़े जहर दरिया किए और कई तरियाक जहर में बदल डाले। तुम दोनों तो ये बात अच्छी तरह जानती हो ना, पीरल साईं की तासीर ही कुछ ऐसी है। पर साईं मेरे तो खुद होश उड़ गए हैं, अच्छी बली थी बेचारी शाम को, क्या हो गया उसको? उस जहर मिला दूध लेकर गई थी नूरी को पिलाने। मैंने वही दूध उसे पिला दिया। बस दूध पिया और मर गई। दूध में जहर? नूरी तो ठीक है ना? नूरी बिल्कुल ठीक है और उसका बच्चा भी बिल्कुल खैरियत से है। लेकिन तुम दोनों अपने दिन गिनना शुरू कर दो। मैंने तुम दोनों से कहा था को नुकसान बचाने की कोशिश तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन शायद तुम दोनों को मेरी ये सादा सी बात समझ में नहीं आई। मगर साईं जी हम तो बस बहुत सुन ली मैंने तुम दोनों की। आज के बाद तुम दोनों अपने अपने कमरों से कलम बाहर नहीं निकालोगी। मुझे जरा पुलिस वाले इस मामले से निपटने दो, फिर बनवाता हूं तुम दोनों के लिए हवेली के पीछे वाले कब्रिस्तान में एक बड़ी कब्र। अच्छा है दोनों मर के भी साथ साथ रहेंगे और फिर तुम्हारी चहेती सैनिया भी तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। सर क्या खबर लाए? कैदी को 4 दिन हो गए रिमांड में। बड़ा सख्त जान है सर, अभी तक तो बर्दाश्त कर रहा है,
हम भी आपके हुक्म के मुताबिक उस पर पूरी तरह से हाथ नहीं उठा रहे। अगर आपकी इजाजत हो तो थर्ड डिग्री आजमाए, दो चार हड्डियां अपनी जगह छोड़ेंगी तो फरफर बोलने लगेगा। नहीं असगर, बर्दाश्त वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी उसके अंदर उसके आकाओं की तरफ से जगाई उम्मीद बाकी है। उम्मीद टूटेगी तो वो भी टूट जाएगा। और वैसे भी तशद्दुद करके बयान लेने का फायदा कोई नहीं। अदालत में जाएगा, जख्म दिखाएगा, पुलिस पर इल्जाम लगाएगा और कहेगा जबरदस्ती बयान लिया, कोई फायदा नहीं। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है सर। मीरल हर हाल में रिमांड के बाद मुख्तारे को मजिस्ट्रेट की अदालत से जुडिशल कराने की कोशिश करेगा। कहते तुम ठीक रहे हो। 14 दिन के रिमांड के बाद मजीद रिमांड लेना आसान नहीं होगा अदालत से, और एक बार हवालात से जेल में मुंतकिल हो गया तो उसका मुंह खुलवाना तो नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूं सर, ये अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने में कोई हर्ज नहीं। ये जालिम लोग हैं, इन्होंने हमेशा अपने से कमजोर मजलूमों पर ही जुल्म किया है। असल में क्या है ना सर, इनका सामना आज तक अपने से किसी सवा शेर से नहीं हुआ ना। और वैसे भी सर, पुलिस की मार तो अच्छे अच्छों के कसबल निकाल देती है। चलो सोचते हैं उस बारे में। फिलहाल तुम कुंदन और गफार के साथ 2 सिपाही और लगाओ। मैं चाहता हूं हर 6 घंटे बाद बंदा बदले ड्यूटी पर। हुक्म की तामील होगी जनाब। नामो निशान नहीं बचना चाहिए धनी बख्श। अगर कब्र की मिट्टी खुश्क न हो तो 2-4 पखे जलने वाले लगा देना उस सराफा की कब्र पे। सारी जिंद सारी बहार सरकार, नहीं मिलेगा कोई निशान कब्र का किसी को। झोंक सियाल की तो बहुत तेज है, और वैसे भी हमने तो रातों रात कब्र की मट्टी जो है बराबर कर दी थी। कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये मिट्टी आखिर में अपने अंदर इंसान को पनाह ना दे तो फिर क्या होगा इंसान का। सरकार ये निमाड़ी जहने जो है वो तो मट्टी के साथ मट्टी हो गई, अब आपको क्या परेशानी है। औरत औरत के पीछे पड़ी हुई है धनी बख्श। जैने तो सिर्फ जहर मिला दूध लेकर गई थी, लेकिन जहर खोलने वालियां अभी तक हवेली में बैठी राज कर रही हैं। मगर पीरल उनका जहर निकालने का मन का जेब में लिए फिरता है। पर सरकार वो दोनों तो सरदार जादियां हैं, पीछे वड्डा खानदान उच्चा टब्बर, और फिर वड्डी सैन तो हवेली के वारिस की मां भी। इसीलिए तो रुका हुआ हूं, वरना रात पिछले कब्रिस्तान में जैनिया की कब्र के साथ 2 कब्रें और खोदनी पड़ती गोरकन को। सारी जिन सारी बहार सरकार, इस वक्त घर का मामला घर पे रहे तो बेहतर, बाहर तो और बड़े मसले सर उठा रहे हैं। और सियाने कहते हैं कि एक वक्त में एक से ज्यादा महाज खोलना कोई अकलमंदी नहीं होती। इसीलिए तो इन दोनों को फिलहाल उनके कमरों में नजर बंद कर दिया है, मगर जिस्म कैद कर देने से साजिशें कहां नजर बंद होती हैं। मगर ये दोनों औरतें
ऐसी बलाएं हैं जो दीवारों के अंदर से भी अपनी नजर से किसी को भी चला के राख कर सकती हैं। ये पुलिस वाले का मामला गुजर जाने दो, फिर इन दोनों का इलाज करता हूं। सर जी, लाइट आने की तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, मैंने बिजली वाले को कॉल किया, उन्होंने कहा कि रात तक ही लाइट आएगी। बड़ा लंबा फॉल्ट है। अगर आप कहें तो टेबल कुर्सी छत पे लगवा दूं। हाँ, बड़ी ठंडी हवा चल रही है सर जी। लगवा दो। ठीक हो गया सर जी। उफ, लाबे गफारे, बीड़ी पिला यार। ये क्या है? अभी तो महीना आधा भी नहीं गुजरा है और तेरी जेब में एक बीड़ी पड़ी है। बस क्या करें सर जी, सरकार जो तनख्वाह देती है उसमें तो आधा महीना ही निकल पाता है। बाकी फिर 15 तारीख के बाद वही परचून वाले का, दूध वाले का, सब्जी वाले का उधार ही चलता है गरीब सिपाही के घर। ठीक कहता है तू गफारे, अगली तनख्वाह मिलती है तो दुकानदार सबसे पहले पिछले 15 दिन का उधार पूरा करता है और फिर अगले 15 तक तनख्वाह खत्म। मेरी एक बात समझ नहीं आती, ये सरकार गरीब का महीना 15 दिन का क्यों नहीं करती? 12 हो या 24 महीने, गरीब का क्या लेना देना 30 दिन के महीने से? सच कहा सर जी, वरना तो आधी जिंदगी उधार लेने में और आधी चुकाने में ही खत्म हो जाएगी। और फिर पुलिस वाले से तवक्को भी की जाती है कि वो खाली पेट और उधार के राशन के साथ दुश्मन से भी लड़े। काश कोई ऊपर वालों से कहकर हमारी तनख्वाह ही बढ़वा दे या फिर महीना छोटा कर दे। गरीब की कोई नहीं सुनता सर जी, ऐसे में फिर गरीब सिपाही 2 नंबरी ना करे तो क्या करे? अपने मुहर्रर और SHO साहब को देखा है? मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि मैं भी उन्हीं की तरह रिश्वत लूं। जानदाद ने सुन लिया ना तो तेरे घर पहुंच जाएगा। खानू चाचा जी। उस्तानी साहबा, कहें तो मैं आपको छोड़ा हूँ आपके घर। नहीं, मुझे ये बताएं, आप साहब के दफ्तर गए थे, उनसे मुलाकात हुई है आपकी? जी जी, गया था। अफसरान कुछ मीटिंग में मसरूफ थे, मैं बहुत देर इंतज़ार करने के बाद वापस चला आया। चलो कोई गल नहीं, मैं चली वैसा। अब जाने से पहले सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा, फिर स्कूल बंद कीजिएगा। जी जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। मलिका मेरे ठेका देगी आई तो कालू दा सारा खाता क्लियर कर। बाबा साईं, मुझे आपसे बात करनी है। ये अम्मा साईं को चलो साजिद काले इधर आओ, चलो 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 इधर आओ। आओ जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो, अकल घास चरने निकलती जा रही है। इतना भी नहीं जानते कि घर के जनाने की बातें इस तरह सरेआम मर्दाना बैठक में नहीं करते कमी कमीनों के सामने। अकल आएगी तुम्हें? मुझे आपसे ये पूछना था बाबा साहब कि मुझे अम्मा साहब से मिलने की इजाजत क्यों नहीं है?
और अम्मा कमरे से बाहर क्यों नहीं आ सकती? मेरी अम्मा को किस बात की सजा दे रहे हैं आप? तेरी माँ बनने से पहले वो मेरी घरवाली है, और अभी मैंने तुझे इतना इख्तियार नहीं दिया कि तू मेरी घरवाली के बारे में मुझसे सवाल करे। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है बाबा साहब। यहां सवाल आपका बेटा नहीं, हवेली का इकलौता जानशीन पूछ रहा है, और मैं अपने सवाल के जवाब के बगैर यहां से नहीं जाने वाला। बस तुझे जवाब चाहिए ना, तो फिर जा हवेली के पीछे वाले कब्रिस्तान में चला जा। वहां शायद अब तक जीने की ताजा कब्र के निशान मौजूद हों, तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जेनिये की कब्र, उसे एक इस्तेमाल डाला नसीब ने, उसके काले मुकद्दरों में स्याही खोली है तेरी सगी मां और सुतेली मां ने। फिलहाल मैंने उन्हें उनके कमरों तक नजरबंद किया है, दुआ कर मेरे अंदर का पीरल ना जाग जाए, वरना और बहुत सी कब्रें खुदेंगी उस कब्रिस्तान में। अच्छा, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया इसका? सर, मैंने 2-3 मरतबा आपसे बात करने की कोशिश की थी, मगर हर वक्त आपके आसपास कोई ना कोई मौजूद था। मैंने सोचा तन्हाई में आपसे बात करूँगा। अच्छा किया था। सोचने वाली बात यह है कि नूरी को सस्सी को यह पैगाम भिजवाने की क्या जरूरत पड़ी, खास तौर पर कि मेरी जान को खतरा। सर, ज़रूर कोई गैर मामूली बात हुई होगी, वरना नूरी इतनी घबराहट में कभी भी अपनी सहेली के जरिए हमें यह पैगाम ना पहुंचाती। सर, मुझे लगता है कि हमें बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। एक बात याद रखो सर, जब तक इंसान की ज़िंदगी लिखी हुई है ना, मौत खुद उसकी हिफाजत करती है। और एक पुलिस वाले को तो खास तौर पे ये बात याद रखनी चाहिए कि जो तकदीर में लिखा है वो कर रहता है। अलबत्ता तदबीर करने में कोई हर्ज भी नहीं। ठीक है सर, हम मोहतात रहेंगे। दुल्हन गफार, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? साहब वो बाजार में बलवा हो गया था, वही रफा दफा करवाने गए थे। अच्छा, ये छोटे मोटे तनाजात अगर मौके पे हल कर दिए जाए ना कुंदन, तो हमारे थाने कचहरियों में रश कम हो जाएगा। बजा फरमाया साहब। क्यों भाई गफार, आज कोई बीड़ी शीड़ी पिला दो यार, होती है ना तुम्हारे पास? साहब ये तो बड़ा घटिया ब्रांड पीता है, मैं आपके लिए बाजार से अच्छी वाली सिगरेट की डब्बी लेकर आता। नहीं 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 नहीं, सिगरेट पीनी होती तो मैं भी मंगा लेता। आ जरा बीड़ी शीड़ी पीने को दिल करा, लाओ लाओ लाओ। आखिरी बीड़ी थी तुम्हारी माचिस से। खत्म हो गई?
महीने की 15 तारीख को ही खत्म कर दी। 30 दिन क्यों नहीं चलाते? कितनी पीते हो दिन में? ये सरकार कभी 5 कभी 6। 5-6 दो तीन क्यों नहीं करते थे दिन की? वैसे भी तंबाकू अंदर जाके जला ही देता है, तेरा सेहत का ज्यादा जलने की जल्दी क्या है तुम्हें? आराम से सुलगते रहना पूरे 30 दिन, सेहत भी बच जाएगी और पैसे भी। नहीं जी जनाब। तुम्हें पता कुंदन, मेरे घर में 2 बहनें हैं, माँ है बाप है, बहनों की शादी नहीं हुई। ये जो मुझे तनख्वाह से पैसे मिलते हैं ना, सिर्फ अपनी जरूरत के निकाल कर बाकी सब घर भेजता हूँ मैं। मुझे तो कभी ये सिगरेट बीड़ी की आशी में असर ही नहीं आई। और वैसे भी कहते हैं ना कि जितनी चादर हो इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए, वरना तो वो कारून का खजाना भी कम पड़ जाता। नहीं जी साहब। और एक बात हमेशा याद रखना, एक सिपाही अपने जोश और अपने जज्बे की वजह से दुश्मन से लड़ता है, तनख्वाह की वजह से नहीं। वरना ये चंद हजार के लिए कोई भी सिपाही सर पे कफन बांध के घर से ना निकलता। सही कह रहा हूं? चलो ओके। गफार बात सुनो, ये लो, लो लो, मंगवाया है तुम्हारे लिए। कम पिया करो। जी जनाब। महंगी हो गई। जियो मेरे साहब। सलामे। जी सही। मुख्तार की कोई खबर? कहीं पुलिस दे सामने टूटते नहीं गया? मुख्तारा टूटने वालों में से नहीं है सही। बस वो कह रहा था कि अगर उसकी जमानत का बंदोबस्त हो जाए तो अच्छा है। वो पुलिस वाला हाथ धोकर मुख्तारे के पीछे पड़ गया। तो खाक जमानत होगी उसकी, रिमांड पर है पुलिस की। बस एक काम कर मेरा, मुख्तारे को कह दे अपनी जबान नहीं खोलनी, वरना मीरल को उसकी जबान बंद करनी पड़ेगी। सलाम साईं। हाँ वो थानेदार इधर। जी सही, आपने बताया सही। हुकम के गाल है, तू तो रास्ता ही भूल गया है डेरे का। इतनी नमक हरामी अच्छी नहीं है जानदार। नहीं सही, जानदार कुछ भी कर सकता, आपको भी पता है सही, नमक हरामी नहीं कर सकता। क्या करूं, मजबूर हूं सही। वो एसपी अपन साईं इतना सख्त अफसर, इतना सख्त अफसर पैरे लगाए में मेरे ऊपर साईं, इतनी सख्त ड्यूटी ले रहा है, उसका बस चले तो दीवारों में चनवा दे साईं। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आया हूं कि हाजिरी लगाऊं सरकार की। तो बस कर अपनी चेपे, काम की बात कर, काम की। मुख्तारे का क्या बना हूं ये बता, कब निकाल रहा है तू उसे? देख अगर इस दफा तू मुख्तारे के लिए कुछ नहीं कर सका ना, तो याद रखियो एएसपी से पहले तेरी नौकरी खा जाऊंगा। साईं मैं तो गुलाम हूं सही आप, लेकिन साईं
मुख्तारे का इस बार निकलना बहुत मुश्किल है सर। फिर से तू जान दे कि क्या करना है। हाँ सही, इसी सिलसिले में तो बात करने आया हूँ। फिर बता। मुंबई क्या है तेरा मंसूबा? मेरी मर्द